आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन द अरेंजमेंट शोन M1, ये जो है हमारे पास 1 kg का ब्लॉक है, M2 इज 2 kg, पुलीज आर मासलेस, जो हमारे पास पुलीज है वो मासलेस है, एंड स्ट्रिंग इज लाइट, स्ट्रिंग लाइट है। फाइंड M, हमें ये मास फाइंड करना है सच दैट M1 मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ जो M1 है उसे हमें कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। तो अगर M1 हमारा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इफ M1 मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यानी उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, यानी ये जो ऊपर अगर हम M1 का FBD बनाएं, 1 kg है राइट M1, हाँ, तो नीचे इसका 10 न्यूटन जो वेट लग रहा है वो, और ऊपर लग रहा है टेंशन, और क्योंकि ये इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो जो टेंशन है वो हमारा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस रूप में टेंशन 10 न्यूटन है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग सेम रहेगा तो ये भी 10 न्यूटन है, और ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन राइट, तो ये 20 तो ये भी 20, तो यानी कैपिटल M ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है वो आ जाएगा हमारा टी जो टेंशन है डिवाइड बाई M, क्योंकि M कैपिटल M इंटू AM वुड बी टी, सो टी बाई कैपिटल M, ये हमारा बड़े वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब क्योंकि ये ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है, ये ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग से ये जो पुली है वो एक्सीलरेट करेगा, ये जो पुली है वो एक्सीलरेट करेगा। अब अगर ये पुली एक्सीलरेट कर रहा है और ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पर ये पुली के रिस्पेक्ट में, पुली के रिस्पेक्ट में तो एक्सीलरेट कर रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पर पूरा पुली ही एक्सीलरेट कर रहा है, देन इवन दो ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से है, हम मान सकते हैं अगर पुली रेस्ट पे होता तो ये एक्सीलरेट कर रहा है, ये एक्सीलरेट नहीं कर रहा बिकॉज अभी पुली खुद पूरा एक्सीलरेट कर रहा है। तो अगर हम सेम सिचुएशन M2 के लिए माने, तो देखें M2 के लिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये देखिए, हम पहले डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेते हैं, वैसे हम डायरेक्टली करेंगे तो भी चलेगा, बट जस्ट एक इनसाइट लेने के लिए, ये 2 kg है, ये 1 kg है, तो ये नीचे आएगा, जाहिर सी बात, अगर ये नीचे आएगा तो ये पूरा पुली नीचे आएगा, और अगर ये पूरा पुली नीचे आएगा तो ये M इस साइड जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली पुली नीचे आ रहा है, तो ये देखिए क्या होगा कि इसका जो 20 न्यूटन का फोर्स है वो 10 न्यूटन पे भारी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप FBD बनाएं M2 का, आप M2 का FBD बनाएं तो देखिए क्या बनेगा, 2 kg, नीचे 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन, तो बेसिकली एक फोर्स, तो फोर्स डिफरेंस तो है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा राइट, नीचे की तरफ जाएगा और कुछ एक्सेलरेशन के साथ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पुली। तो अगर पुली नीचे नीचे की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, कितना लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2, और पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना इसका एक्सेलरेशन होगा, पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा, जिसका जितना इसका एक्सेलरेशन होगा, तो इस स्लोप रिंग का स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कितना है, 20/M, 20/M, तो 2×20/M, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ प्लस 10 न्यूटन्स ऊपर की तरफ और 20 न्यूटन्स नीचे की तरफ, और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए M2 का एक्सेलरेशन, ये एक्चुअली होना चाहिए M2 का एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये देखिए, अगर हम नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 − 10 − 2×20/M, दिस शुड बी MA, तो M2 है और AM2। अब देखिए यहाँ पर पुली का एक्सेलरेशन और मास, इसका एक्सेलरेशन सेम है, पुली का एक्सेलरेशन और इस मास का एक्सेलरेशन सेम है, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेट किसको करना पड़ेगा, M2 को। अगर पुली एक्सेलरेट कर रही है, अगर पूरी पुली एक्सेलरेट कर रही है, इसे आप वापस समझिए, अगर पूरी पुली एक्सेलरेट कर रही है और अगर ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन किसके पास जाएगा, इसको भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा, कितने से, जितने से ये एक्सेलरेट करेगा, तो बेसिकली इसका एक्सेलरेशन और इस M2 का एक्सेलरेशन सेम होगा, दैट इज 20/M, जो इसका एक्सेलरेशन है वही हमारे M2 का एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि ये साहब
कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ना जा रहे होते तो इन दोनों का एक्सीलरेशन सॉरी इसका एक्सीलरेशन भी कुछ होता, इसका एक्सीलरेशन भी कुछ होता, और फिर उनका एडिशन, इन दोनों का एडिशन हमारे पास इसका एक्सीलरेशन मिलता। लेकिन अभी वो केस नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो ए एम टू है ये भी ये हो जाएगा। तो इक्वेशन को हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा देखिए 10 - 40/m इक्वल्स टू 2 × 20/m यानी 40/m। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से देखिए 10 = 80/m ठीक है, 40 + 40 = 80/m। तो यहाँ से हमारे पास m आ जाएगा 8 kg। तो यानी कि हमारा जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसका मास है 8 kg। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।